हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग इलेक्ट्रॉनिक्स पावर्ड बाय इलेक्ट्रोसॉफ्ट सिस्टम पुणे। माय सेल्फ ज्योति सपकाळे और फ्रेंड्स आप देख रहे हैं बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स सीरीज। मैं आज आपके लिए बहुत एक इंटरेस्टिंग पार्ट लेके आई हूँ, सो आई होप कि आपको बहुत मजा आएगा। सो लेट्स स्टार्ट। और मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि व्हाट इज द वेरिएबल कैपेसिटर। जैसे मैंने मेरे पहले वीडियोस में बताया है, एक्सप्लेन कर दिया है कि वेरिएबल कैपेसिटर क्या है, फिर भी आज रिपीट करती हूँ कि वेरिएबल कैपेसिटर इज द कैपेसिटर वेयर इट्स कैपेसिटर्स वैल्यू कैन बी चेंज इलेक्ट्रॉनिकली और द मैकेनिकली रिपीटेडली। ओके, तो हम इसके वैल्यूज क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, उसको वेरिएबल कैपेसिटर बोलते हैं। इट इज ऑफन यूज इन द LC सर्किट। तो फ्रेंड्स यहाँ पर भी उसके दो टाइप्स हो जाते हैं, कौन से, कि ट्रिमर एंड द ट्यूनिंग कैपेसिटर। ओके, तो फ्रेंड्स ये जो ट्यूनिंग कैपेसिटर है, वी कैन यूज टू सेट द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, दैट मीन्स द टू ट्यून द रेडियो, हम ऐसे भी बोल सकते हैं। तो इसके वजह से इसे ट्यूनिंग कैपेसिटर भी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखा जाए तो अगर इम्पेडेंस मैचिंग करनी है हमको इन द एंटीना ट्यूनर्स, तो हम दिस ट्यूनिंग कैपेसिटर वहाँ पर यूज करेंगे। ओके फ्रेंड्स, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि बहुत सारे वहाँ पर सिंबल दिए हैं मैंने, कि कैपेसिटर के जो फिक्स्ड कैपेसिटर है उसका सिंबल कैसा है आप देख सकते हो। उसके बाद में पोलराइज कैपेसिटर, पोलराइज में मैंने आपको बताया था कि प्लस एंड माइनस ये दो पोलैरिटी होती है। तो वहाँ पर फ्रेंड्स अगर पॉजिटिव होगी तो वहाँ पर प्लस साइन दिया है, अगर वहाँ पर प्लस साइन नहीं भी दिया होगा तब भी आपको पता चलेगा। और जो निगेटिव साइड है, उसकी निगेटिव प्लेट है, उसे क्या किया है, थोड़ा सा बेंड किया है। तो अगर आप बेंड साइड देखते हैं तो इस पर भी आपको पता चल जाएगा कि कौन सा कैपेसिटर यूज किया है। ओके, वो फिक्स है या पोलराइज्ड है। एंड वेरिएबल में वहां पर एक एरो दिया है, मतलब क्या कि हम उसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गए आपके सिंबल। और फ्रेंड्स मैंने आपको ट्यूनिंग कैपेसिटर का बताया है कि जहां पर रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी सेट करनी है तो वहां पर हम ट्यूनिंग कैपेसिटर का यूज कर सकते हैं। उसके बाद में अभी हम देखते हैं कि ट्रिमर कैपेसिटर क्या है। ओके फ्रेंड्स, ये जो ट्रिमर कैपेसिटर होता है, इट इज अ वेरिएबल कैपेसिटर एंड इट इज यूज्ड फॉर द इनिशियल कैलिब्रेशन एंड द रिकैलिब्रेशन ऑफ द इक्विपमेंट। इट इज कॉमनली माउंटेड डायरेक्टली ऑन द PCB एंड एक्सेस ओनली बाय द प्रोफेशनल रिपेयरमैन एंड द एंड यूजर। ओके, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगर नहीं तो आप ये भी कर सकते हैं कि ट्रिमर कैपेसिटर है तो आपको वहाँ पर कुछ नहीं करना है, जो प्रोफेशनल होते हैं वही उसको रिपेयर कर सकते हैं, बिकॉज इट इज अवेलेबल इन द माउंट फॉर्म इन ऑन द PCB और इट इज यूज फॉर द इनिशियल कैलिब्रेशन एंड रिकैलिब्रेशन ऑफ द इक्विपमेंट। तो फ्रेंड्स ये जो ट्रिमर कैपेसिटर है वो बहुत बड़े डिवाइसेस में यूज किया जाता है, जैसे कि RF सर्किट में हम तो इसे यूज ही करेंगे। उसके बाद में जहाँ पर वेरी हाई फ्रिक्वेंसी थ्रू द माइक्रोवेव जो आ रही है वहाँ पर भी यूज करना है। उसके बाद में जैसे कि मेडिकल इक्विपमेंट है, MRI है, NMR है, स्कैनर जो है, वहाँ पर आप ट्रिमर कैपेसिटर यूज कर सकते हैं। और फ्रेंड्स इसे हम यूज कर सकते हैं ऑसिलेटर्स में, ट्यूनर्स में, क्रिस्टल ऑसिलेटर्स, फिल्टर्स। ओके, ट्रिमर कैपेसिटर कैन बी फाउंड इन द कम्युनिकेशन इक्विपमेंट में भी ये पाया जाता है, जैसे कि मोबाइल रेडियोज एंड एरोस्पेक ट्रांसमीटर है, रिसीवर है, सिग्नल स्प्लिटर्स एंड CATV एम्पलीफायर्स है, यहाँ पर भी ये ट्रिमर कैपेसिटर यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि जो ट्रिमर कैपेसिटर है वो बहुत उसके बहुत सारे एप्लीकेशन है, जैसे फ्रॉम द मेडिकल टू जो इलेक्ट्रॉनिक्स एप्लीकेशन है वहाँ पर भी, और कम्युनिकेशन एप्लीकेशन है वहाँ पर भी हम ट्रिमर कैपेसिटर यूज कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स आगे के अभी यहाँ पर तो मैंने एप्लीकेशन आपको बता दिए है कि वेरिएबल कैपेसिटर के क्या होते हैं। तो फ्रेंड्स मैं अपने आगे के वीडियोस में बताने वाली हूँ कि अगर हम कैपेसिटर को सीरीज में कनेक्ट करते हैं या फिर हम उसे पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो उसके कैपेसिटर्स की वैल्यू कैसे चेंज होती है। अगर आपको ये जानना चाहते हो, इफ़ यू वॉन्ट टू लर्न दिस, वहाँ पर एग्जाम्पल भी है इस पर, अगर आप उसे सॉल्व करते आते हैं आपको, तो आप मेरे आगे का वीडियो जरूर देखें। सो फ्रेंड्स इसी तरह से आपने इस टॉपिक को कंप्लीट किया है, आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और इसी तरीके से नए वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और फ्रेंड्स प्लीज शेयर करना ना भूलिए।